नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में कर्म ही पूजा है, मतलब वर्क इज वर्शिप। क्योंकि आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि कर्म ही पूजा है या वर्क इज वर्शिप। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा कहा है कि जो कर्म है वही पूजा है। तो क्या वाकई में भगवत गीता में ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कोई श्लोक है जिसका जिसका आंसर या जिसका मतलब हो कर्म ही पूजा है? तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, लेकिन उन 700 श्लोक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है जिसमें ये कहा गया हो कि कर्म ही पूजा है। और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कर्म को पूजा मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि कर्म पूजा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न मैं आज आपको देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कर्म को पूजा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कर्म को पूजा मानोगे तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि कर्म पूजा नहीं हो सकती। तो पहला कारण, मान लीजिए अगर कर्म ही पूजा है तो शायद फिर इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हर इंसान काम को ही पूजा मान लेगा, काम ही अगर पूजा है, तो क्या उसे किसी धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जहाँ पर जिस ऑफिस में वो काम करता होगा वही उसके लिए मंदिर होगा, वही उसके लिए गुरुद्वारा होगा, वही उसके लिए मस्जिद होगी। वो क्यों जाएगा फिर ऐसे धार्मिक स्थल और अपना टाइम खराब करेगा? लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया में लाखों की संख्या में मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल है। इसका मतलब इस बात से भी आप कह सकते हैं कि कर्म ही पूजा नहीं हो सकता। चलिए मैं दूसरा, आपको लग रहा है तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर कर्म ही पूजा है तो पूजा तो किसी पर्सनालिटी की जाती है, किसी एनर्जी की पूजा की जाती है, सही है ना? आप कभी भी किसी को सुना होगा, कोई भी पूजा अगर करता होगा तो क्या करता होगा, किसी मूर्ति की पूजा करता होगा, किसी पर्सनालिटी की पूजा करता होगा, या फिर कोई एनर्जी जिसको वो मानते हैं उनकी पूजा करता होगा। भाई इन्हीं चीज़ों की पूजा होती है ना, भाई हवा में तो कुछ होता नहीं है। आप पूजा करने के लिए कोई ना कोई आपको चाहिए ना जिसकी आप पूजा कर रहे हो। तो क्या कर्म कोई पर्सनालिटी है, कोई एनर्जी है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं? तो पूजा करने के लिए अगर आप कर्म को पूजा मानते हो तो पूजा का कोई भगवान भी होगा, लेकिन क्या पूजा का कोई भगवान होता है? तो कर्म ना तो कोई पर्सनालिटी है और ना ही कोई एनर्जी है, कर्म तो एक काम है जिसको हमको करना रहता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कर्म पूजा नहीं है। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल था, हो सकता है ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे शायद और आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा हम इसलिए करते हैं ना कि हम हमारी मन की शांति को या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम पूजा करते हैं। लेकिन क्या काम करने से, आपके ऑफिस जाने से, ऑफिस के में फाइलों में कुछ लिखने से या कुछ भी वहाँ करने से क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है? क्या आपको मन को शांति मिलती है? क्या आपको वो काम बोझ नहीं लगता? लगता है, हो सकता कुछ लोग को नहीं लगता, लेकिन इसके पहले की जो दो चीज़ें वो तो नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो काम करने से नहीं होती और ना ही आपको मन को शांति मिलती है। तो अगर कर्म पूजा है तो आपको उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, ईश्वर को आपने प्राप्त करना चाहिए और साथ ही आपके मन को शांति भी मिलना चाहिए। लेकिन ये दोनों काम करने से नहीं होते हैं, कर्म करने से नहीं होते हैं। अब मैं जो अगला एग्जांपल बता रहा हूँ वो बहुत ही सटीक एग्जांपल है, ध्यान से उसको सुनिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम पूजा इसलिए करते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या परमात्मा को खुश करने के लिए हम कर्म करते हैं, ठीक है? ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन क्या कर्म भी हम इसलिए करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या परमात्मा को खुश करने के लिए कर्म करते हैं? नहीं। हम शायद, हो सकता है कि हम हमारे बॉस को खुश करने के लिए काम करते हों, या हम हमारे पेट को पालने के लिए, हमारे घर के सदस्यों को, बाल बच्चों को पालने के लिए कर्म करते हों, लेकिन हम ना तो भगवान को खुश करने के लिए कर्म करते हैं और ना ही शायद हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए खुश करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि एक चोर है, उसका कर्म क्या है? चोरी करना। एक चोर का कर्म होता है चोरी करना, तो क्या चोरी करना पूजा हो सकता है? शायद नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक जल्लाद जो है, वो जो लोगों को फांसी देता है, उसका काम क्या है?
उसका काम है लोगों को फांसी देना यानी कि मारना। तो क्या किसी को मारना पूजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक फौजी का काम क्या है? दुश्मन को मार डालना, ख़त्म कर देना। लेकिन क्या एक्चुअल में वो क्या उसकी पूजा है? नहीं है। तो हर एक काम, या मैं कहूँ कि जो आपका कर्म है वो पूजा नहीं हो सकता। तो पूजा कब हो सकती है? क्या कोई भी कार्य कभी पूजा हो सकता है? नहीं हो सकता। बस ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने कर्म को पूजा की तरह कर रहे हो, अगर आप अपने काम को पूजा की तरह कर रहे हो, तो वो पूजा के उसमें काउंट में आ सकता है। जरूर नहीं क्या? कैसे मैं बताऊँ, उसके एग्जांपल देता हूँ आपको कि पूजा की तरह क्यों बोला गया है। इसको पूजा नहीं बोला गया, पूजा की तरह करने का बोला गया। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो कितना ध्यान लगा के, कितना मन लगा के अपने दिल से पूजा को करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपना कर्म भी उसी शिद्दत के साथ, उसी जो इंटेंसिटी है, उसी तरह की जो आपकी, जिस तरह से आप पूजा में मन लगाते हैं, जिस प्रकार से आप पूजा में अपना पूरा ध्यान लगा, पूरा फोकस करके पूजा करते हो, ठीक उसी प्रकार से अगर आप काम को भी उतने ही फोकस से करेंगे, उतनी ही मेहनत से करेंगे, उतने ही ध्यान लगा के करेंगे, तो वो काम बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हो सकता है पहले के लोगों ने, कुछ लोगों ने उस काम को पूजा का नाम दे दिया कि कर्म ही पूजा है। एक्चुअल में कर्म पूजा है नहीं, लेकिन उसको पूजा की तरह किया जाए तो हो सकता है कि वो एक अच्छा फल आपको दे दे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।